हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, सबसे पहले मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको पटना मेट्रो से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट दिखाने वाला हूं। और इस बार अपडेट सिर्फ पटना मेट्रो के यू गर्डर लॉन्चिंग का ही नहीं बल्कि आगे क्रॉस आर्म गर्डर लॉन्चिंग के बारे में भी है। तो क्या है ये और कहाँ पर चल रहा है ये काम, वो सब कुछ मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने वाली है क्योंकि जहां जहां पर ये मेट्रो के काम चल रहा है मैं कोशिश करूंगा कि बस वहीं तक का आपको अपडेट दिखाऊं। तो गाइज, अभी मैं हूं मीठापुर के आगे बिगरापुर के पास और यहां आप देख सकते हैं कई सारे पिलर के स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द यहां पर आपको पिलर खड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहां से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको यहां लाइन से कई सारे पिलर तैयार भी देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे पिलरों को तैयार भी कर लिया गया है। और गाइज, यहाँ ये जितने भी आप पिलर देख रहे हैं ये पार्ट सारे एलिवेटेड होंगे जो कि मीठापुर ओल्ड बस स्टैंड से होते हुए इधर बिगरापुर रामकृष्णा नगर होते हुए खेमनी चक से जाकर कनेक्ट होंगे। और गाइज, ये जो अभी आप मेट्रो के पिलर के काम को देख रहे हैं ये रेड लाइन मेट्रो के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो कि पटना जंक्शन मीठापुर रामकृष्णा नगर होते हुए आगे खेमनी चक से जाकर कनेक्ट होगा। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बिगरापुर रामकृष्णा नगर के बीच में ये जो मेट्रो के पिलर तैयार किए जा रहे हैं इनके काम को काफ़ी तेज़ी से पूरा भी किया जा रहा है। और गाइज, इसके अलावा रामकृष्णा नगर से आगे बढ़ने पर आपको एक जगह और काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ पर ये काम किया जा रहा है आइए मैं आपको उसे भी दिखा देता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं इस जगह पर भी पाइलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है। एक्चुअली ये काम रामकृष्णा नगर से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नहीं दो दो तीन तीन जगह आपको यहाँ पर पाइलिंग का काम होता हुआ देखने को मिलेगा। और गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं लाइन से आपको बैरिकेटिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी जो कि रामकृष्णा नगर से लेकर आगे जगनपुरा तक किया हुआ है। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि आगे 90 फीट के पास भी पाइलिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो चलिए उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ बाईपास 90 फीट के पास और आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइलिंग का काम भी किया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस तरफ मलाई पकड़ी के तरफ से जो मेट्रो के एलिवेटेड पिलर बनाए जा रहे हैं वो इस जगह 90 फीट से होते हुए बाईपास को क्रॉस कर खेमनी चक के तरफ चले जाएंगे। और गाइज, सामने आप खेमनी चक वाले पिलर को भी देख सकते हैं। और गाइज, इधर खेमनी चक के पास भी आप देख सकते हैं इधर भी पियर कैपिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है और ये काम यहाँ कई सारे पिलर के ऊपर आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और गाइज, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो खेमनी चक मेट्रो स्टेशन है ये सेकेंड इंटरचेंज होगा, यानी आप रेड और ब्लू लाइन के लिए मेट्रो को यहीं से चेंज कर सकते हैं और जो पहला इंटरचेंज बनाया जा रहा है वो पटना जंक्शन के पास देखने को मिलेगा। तो गाइज, चलिए अब मैं आपको भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास चल रहे यू गर्डर लॉन्चिंग के काम को दिखा देता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि भूतनाथ के पास जो यू गर्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा है उसे पूरा कर लिया गया है और अब ये काम वहां से आगे बढ़ चुका है। तो चलिए उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये रहा भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के लिए तैयार किए जा रहे पिलर। आप देख सकते हैं इसी जगह पर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन को बनाया जाना है जिसके पिलर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और गाइज, फाइनली ये रहा वो पार्ट, आप देख सकते हैं जो यू गर्डर लॉन्चिंग की जा रही थी वो यहाँ मेट्रो स्टेशन जहाँ बनाए जाने उस तक पहुँच चुका है। और यहाँ से लेकर आगे आपको काफी दूर तक यू गर्डर लॉन्चिंग का काम देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये काम पिलर नंबर 92 से लेकर आगे पिलर नंबर 106 तक कंप्लीट कर लिया गया है और अब पिलर नंबर 6 से लेकर पिलर नंबर 7 के ऊपर भी यू गर्डर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो आइए मैं आपको उसे भी दिखा देता हूं। तो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ पिलर नंबर 107 के पास और आप देख सकते हो यहाँ पिलर नंबर 106 से लेकर 107 के ऊपर ये यू गर्डर को लॉन्च कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज, अब ये यू गर्डर लॉन्चिंग का जो काम है वो इधर पिलर नंबर 106 और 107 के ऊपर चल रहा है और यहाँ से लेकर ये आगे 0 माइल के तरफ बढ़ते चला जा रहा है। यानी गाइज, मान के चलिए आने वाले 1.5 से 2 महीनों के अंदर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से लेकर आगे 0 माइल के पास बनाए जा रहे मेट्रो स्टेशन तक ये यू गर्डर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा।
यानी जो प्रायोरिटी कॉरिडोर की बात चल रही है जून 2025 तक शुरू करने की, आई थिंक उसे उस टाइम तक पूरा किया जा सकेगा, जिसके अंदर 5 मेट्रो स्टेशन आने वाले हैं, जिसे मलाईपकरी मेट्रो स्टेशन से लेकर न्यू ISBT मेट्रो स्टेशन तक बनाया जाना है। और अगर इस बात करूं मलाईपकरी मेट्रो स्टेशन से लेकर न्यू ISBT तक बनाए जा रहे मेट्रो के जितने भी पिलर हैं उनके बारे में, तो ऑलमोस्ट 80% पिलर का काम जो है उसे कंप्लीट कर लिया गया है। और अब जो थोड़ा बहुत पिलर बनाने का काम बचा हुआ है वो आपको 90 फीट के पास देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जब आप 0 माइल से आगे बढ़ेंगे और न्यू ISBT की तरफ जब मेट्रो मुड़ेगी तो वहां पर भी मेट्रो के पिलर को बनाने का काम अभी बचा हुआ है। तो बस यही 2 जगह है जहां पर पिलर अभी बनाए जाने हैं। बाकी इसके अलावा आपको इस प्रायोरिटी कॉरिडोर पर लगभग सारे पिलर कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज आइए अब मैं आपको यहाँ 0 माइल के पास मेट्रो स्टेशन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया है उसके बारे में भी अपडेट दिखा देता हूँ। तो गाइज आप इधर देख सकते हैं इन पिलरों के ऊपर पियर कैपिंग का काम भी हो चुका है और यहाँ 0 माइल के पास जो मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी एक अपडेट दिखा चुका हूँ। और गाइज सामने जो मेट्रो स्टेशन के लिए पिलर बनाए गए हैं उसके ऊपर ये सेकंड क्रॉस आर्म गर्डर की लॉन्चिंग कर दी गई है। और ये काम सबसे पहले यहाँ 0 माइल मेट्रो स्टेशन के पिलर के ऊपर किया गया है, यानी ये बात तो कन्फर्म है कि यहाँ 0 माइल के पास ही आपको फर्स्ट मेट्रो स्टेशन का काम होता हुआ देखने को मिलेगा। और गाइज इसके अलावा इधर 0 माइल से आगे भी आपको कई सारे पिलर ऑलमोस्ट कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे जो कि आगे न्यू ISBT की तरफ चला जाएगा। और उस तरफ की भी मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ और साथ ही आपको जो मेट्रो के डिपो का काम चल रहा है उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो वो सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज ये था यहाँ 0 माइल के पास बनाए जा रहे मेट्रो स्टेशन का अपडेट। और गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मलाईपकरी की तरफ चल रहे काम का अपडेट भी दिखा दूंगा। तो गाइज आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।